नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में नेकिता जैसे मामलों पर नकेल कसने के लिए लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है सरकार, जिससे बच्चियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जा सके। गृह मंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन ध्यानाकरण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में बोल रहे थे। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है। इस पर कड़े संज्ञान लेते हुए तौफिक और रेहान नामक दोषियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो अभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए 2019 में चिन्हित अपराध योजना लागू करने की थी। इस केस को ही चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी, ताकि दोषियों को शीघ्र ही सजा दिलवाई जा सके। इस संबंध में जल्द चालान पेश करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद कर रही है, परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही परिवार की एक मांग और है कि एक गन का लाइसेंस भी दिया गया है तथा परिवार को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि निकिता का परिवार द्वारा तौसीफ और रेहान के खिलाफ वर्ष 2018 में भी अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सरकार द्वारा अपहरण के इस मामले में सहित पूरे केस की जांच 2018 से करवाई जाएगी। गृह मंत्री ने कहा है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध 2019 राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्ष 2018 की तुलना में हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी हुए अपराधों का विवरण दिया गया है। हरियाणा में अपराधों की तुलना में उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 और 2020 के आंकड़े प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक पेश किए जाते हैं, उनमें प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 10,004 मामलों की तुलना में 8,327 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में 1,697 कम रहे। इस दौरान हरियाणा में बलात्कार के मामले में 145 मामलों की कमी दर्ज की गई है, जबकि छेड़छाड़ के 224 मामले कम हुए हैं। इसी प्रकार महिलाओं के अपहरण में 576 मामले दर्ज, दहेज संबंधी 811 मामले, एसिड अटैक के 3 मामले तथा अनैतिक तस्करी के 7 मामले कम दर्ज किए गए हैं। पलपल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में सनसनीखेज मामलों की उचित और त्वरित जांच और परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 2019 से चिन्हित अपराध नामक योजना लागू की गई है। वर्तमान मामले को चिन्हित अपराध की सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार इस मामले में सरकार द्वारा शीघ्र परीक्षण के लिए निगरानी रखी जाएगी। यह कहना गलत है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध दैनिक आधार पर बढ़ रहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने भारत में अपराध 2019 शीर्षक से एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.3% की राष्ट्रव्यापी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में हरियाणा में 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में केवल 2.49% मामलों की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 व 2019 में महिला विरुद्ध अपराध में भारत व हरियाणा की तुलना निम्न तालिका में देखी जा सकती है। हरियाणा 2018 में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए 14,326 और 2019 में हुए 14,683, यानी 357 केसेस ज़्यादा हुए, जो कि टोटल का 2.49% है। उसी प्रकार भारत में 378,236 2018 में और 2019 में 405,861 27,625 केस ज़्यादा हुए, जो कि 7.30% ज़्यादा है। इस
यदि हम वर्ष 2019 और 2020 प्रत्येक वर्ष के 30 दिसंबर तक में हरियाणा के अपराध आंकड़ों की तुलना करें, यह कहना गलत होगा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के समग्र आंकड़ों में कोई वृद्धि हुई है। वास्तव में जैसा कि निम्न तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 697 मामलों की गिरावट देखी गई। ये उसके बाद ये टेबल दिया गया है जिसमें रेप में 145 केस कम हुए, अटेम्प्ट टू रेप में, मोलेस्टेशन में 224 केस कम हुए, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट पब्लिक में 10 केस ज़्यादा हुए, किडनैपिंग ऑफ वुमेन में 576 केस कम हुए, और इसी प्रकार अगर टोटल देखें तो 1697 केस कम हुए। हम हर प्रकार की मदद उस परिवार को दे रहे हैं। हमने सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी निकिता के पिता, माता और भाई को हमने सुरक्षा मुहैया करा दी है। निकिता के भाई को हमने, वो उन्होंने लाइसेंस की मांग की थी, हमने उनको गन का लाइसेंस भी बनाकर दे दिया है, और बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं। हर तरह की सुरक्षा भी मुहैया करा रहे हैं और लीगल सपोर्ट भी हर तरह की हम मुहैया करा रहे हैं, और बहुत तेजी से कोशिश की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज नहीं तो कल ये चालान पेश कर दिया जाएगा, ऐसी मुझे संभावना है, अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि सारे कानूनी पहलुओं को विचार करना होता है, सारे कानूनी पहलुओं को देखना होता है। तो शीघ्र अति शीघ्र मैंने चालान पेश करने के लिए कहा था, और जो मुझे फीडबैक है कि जल्दी ही वो चालान पेश कर दिया जाएगा, और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, मैंने चिन्हित अपराध बताया है, तो चिन्हित अपराध के कारण ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाएगा, और शीघ्र अति शीघ्र दोषियों को जो भी उनकी सजा बनती है, जिसके वो उन्होंने जो कृत्य किया है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इसके भविष्य के लिए सोचना जरूरी है कि आज निकिता इस जाल में फंसी, कल को हरियाणा की कोई और बेटी ना जले फंसे इसमें, और देखना यह भी जरूरी है कि ये किसी साजिश के तहत, संगठित योजना के तहत ये काम तो नहीं हो रहा। इसलिए हम विचार कर रहे हैं, कि लव जिहाद के बारे में हम हरियाणा में भी कानून लाएं। हम बाकी प्रदेशों में भी जहां जहां इसकी चर्चा हो रही है हम उनसे भी डिस्कस करेंगे, और मैंने हिमाचल प्रदेश ने इसके बारे में कोई कानून बनाया है, मैंने उसकी भी कॉपी मंगवा ली है। हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। कोई भी किसी से शादी कर सकता है, कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, लेकिन प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की अगर साजिश चल रही है तो उस साजिश पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, उसके लिए कोई भी कदम हमें उठाने होंगे हम करेंगे, कोई भी कानून हमें बनाना होगा हम बनाएंगे, छल से, कपट से, प्यार से, धोखे से, किसी को अगर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।